बिहार में जब राजद सत्ता में आई नीतीश कुमार के साथ, तो यादवों को भ्रम हो गया कि राज तो हमारा है। भ्रम हुआ क्या हुआ कि दलितों पर अत्याचार करने लगे, दिन दहाड़े अम्बेडकर छात्रावास पे गोलियां चलाने लगे। उनको तो लग ही गया था कि अब तो राज यादवों का आ गया है, अब दलितों क्या है क्या है नहीं है। अब क्या हुआ कि कटिहार में कांड हो गया, उस कांड में 7 यादव की जान चली गई। अब यादवों का भ्रम टूट गया कि यार सत्ता तो हमारी है नहीं, सरकार किसी की भी हो राज तो वही करता है। हमारे साथ हमारा आजाद हैं, इनसे बात करेंगे, क्योंकि वो जो दलित छात्रों पर गोलियां चली अम्बेडकर छात्रावास में, तो छात्रावास में ये भी मौजूद थे। कटिहार में 7 यादव समाज के लोगों की जान गई, कथित यादवों के नेता, यादवों की पार्टी, बहुजनों की पार्टी, बहुजनों की सरकार, सबके मुंह में ठेपी लग गया है, टेप लग गया है। टेप बहुत जोरदार लग गया है। और पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो हमारे बहुजन समाज के लोगों की हत्या हुई है, और हम लोग किसी भी कीमत पे, ये लोग हम पर जितना अत्याचार कर ले, नव सामंतवादी मानसिकता ये सब अपना रहे हैं, जो तथाकथित जो इनकी हत्या हुई है, जिनकी सरकार है, ये सब सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे कंट्रोल में सरकार है, पुलिस प्रशासन है, अब मैंने हम बहुत ऊंचे हो गए हैं और समाज में दबदबा। मगर औकात समझ में आ गया ना इनको। आप दलित को गोली मारिएगा और उस पर वर्चस्व जराइए करिएगा, हम लोग आपको भाई अपना समझते हैं, बहुजन समाज के लोग समझते हैं, तो अभी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? अभी तो आपकी सरकार है, दम नहीं है। ऐसे कहिएगा कि इधर आइए उधर आइए और इधर गोली मारिए, वो सब करिएगा, और अभी आपकी सरकार है, एक स्टेटमेंट नहीं निकला। आप राजपूतों की हत्या होती है तो पूरा काफिला लेके चल गए थे वहाँ सीतामढ़ी की, कहाँ उधर हुआ था, तो चल गए थे जब सत्ता में, और सत्ता में है, पावर है, तो आप ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पे भी नहीं लिख रहे, तो यादव के राज में ही यादवों की हत्या हो रही है। इसी को कहते हैं जो सत्ता का नशा जब चढ़ता है तो समाज नहीं दिखता है, सिर्फ कुर्सी दिखता है, और कुर्सी के लिए ये तथाकथित जो कहते हैं कि हम यादव के नेता हैं, यादव के पार्टी हैं, तेजस्वी यादव जी कुर्सी के लिए अपने समाज पर हो रहे अत्याचार पे चुप्पी साधो, जिनके बदौलत इनका जो सत्ता का जो 4 कुर्सी है ना टिका हुआ है, उन्हीं को गोली मारा जा रहा है। तो सामाजिक रूप से आपकी सरकार कुछ भी हो जाए, मगर समाज में किनका कंट्रोल है ये तो आपको समझ में औकात बुझा गया होगा। और अगर कोई बोल रहा है तो उसको भी धमकी दिया जा रहा है खुलेआम, और अभी तक वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ है। तो इससे यही प्रतीत होता है कि हम लोग यही कहेंगे कि दलित आदिवासी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन पे अत्याचार नहीं करिए, उनको साथ लेकर के चलिए। और हम लोग पर गोलियां चला तब पर भी आप पटना के नाक के नीचे अम्बेडकर हॉस्टल में पोक्सो लगा करके पुलिस के माध्यम से जेल भेज दिया गया, पर भी आप नहीं बोले, हमें जेल भेज दिया गया 1.5 महीने, सोच लीजिए आर्म सेक्ट लगा दिया, आप गोली भी मारिए, जेल भी भेजवाइए, पैसा भी हम लोग का खत्म हो। आपका क्या स्टैंड है दलित समाज का, क्या स्टैंड दलित स्टैंड का, कटिहार मसले पे दलित समाज का क्या स्टैंड है? तो स्टैंड तो हम खुलेआम पहले ही बोल दिए कि देखिए हमारी मानसिकता बहुजन समाज को एकजुटता करना है, और हम इसके साथ हैं, और हम मांग करते हैं कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जिसने 7 यादवों की हत्या की है, उन्हें बेरहमी से मारा है, नरसंहार किया है। और तो ये कह देना चाहते हैं सरकार को कि आप अभी भी चेत जाइए, और दलित पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों को कुछ नहीं, तो A to Z है, तब A to Z कहाँ है, A to Z राजा था मार दिया, कहाँ कुछ A to Z रहते जाके जिताइए ने अति करिए, A to Z कहाँ हो गया, मार के भून दिया, कहा कि सुधर यादव को सुधरे न कहा जाता है जी, सुधरे न कहता है क्षत्रिय, अरे क्षत्रिय कहिएगा यादव जी, आप लोग को बोलेंगे तो बड़ी बुरा लगेगा। खाली TV पर, YouTube पर, Facebook पे बयान दे रहे हैं, बयान पर बयान दे रहे हैं कि कर देंगे, वो कर देंगे, हो कर देंगे, ये सब करना नहीं है। संवैधानिक तरीके से आप सड़क पे आंदोलन करिए, दलित समाज आपके साथ खड़ा होगा, साथ है, खुल के साथ है, आह्वान करिए, एकदम ओपन करिए, हम लोग एकदम साथ हैं, और सैकड़ों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सड़क पे उतरेंगे, पटना छोड़ के हर एक जिला में भी रहेंगे, पटना में भी रहेंगे, हर एक जगह रहेंगे। हत्या हत्या होता है, किसी की भी हत्या हो, और उसके परिवार पे क्या बीतता है, जो जिसकी हत्या होती है, ये फिलहाल बहुजन एकता इस पे बन सकती है, और बहुजन एकता
बरसाते नहीं ना है, ये तो कहेंगे ए टू जेड ए बी सी डी पढ़े लगते हैं तुरंत, ए बी सी डी पढ़े लगते हैं। यहाँ समझ ही में नहीं आ रहा था कि सामाजिक व्यवस्था यहाँ क्या है। अरे दही चूड़ा समीकरण है, नहीं दही चूड़ा क्या है, अब दूधे नहीं होगा, अब ने दूध गराएगा ने दही बनेगा ने फटेगा ने चूड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। अब ये ऐसे ही हत्या होगा, ये आपको एक संकेत दिया गया। तेजस्वी यादव तो कहते कि दही चूड़ा मथेंगे और दही चूड़ा मिली तो वही बिहार से ही, कैसे कैसे डायलॉग भी बोलते हैं। डायलॉग बोले से नहीं ना होता है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में जनता के हित के लिए काम करना पड़ता है। समझो दलित है, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके लिए काम कर, आप संपन्न लोगों के लिए काम करना, आप तो लालू जी के विचारधारा के खिलाफ चल गए, सामाजिक न्याय का नारा देते हैं, आपका पार्टी देता है, मगर आप कहाँ देख रहे हैं दलित पर अत्याचार हो रहा था, कुछ बोल रहे हैं, गोली मार दिया जा रहा है हॉस्टल में घुस करके, आप कुछ भी नहीं बोले, आपके पार्टी का नेता कोई नहीं आया, सरकारी है, आप सरकार में है, तो अब बताइए जवाब है एक दलितों पर अत्याचार हो रहा, हम तो आपके साथ हैं, मगर आप कहाँ खुल के बोल रहे हैं कि हम दलित पिछड़ों के साथ हैं अत्याचार, आप तो नहीं बोल रहे, मगर हम लोग खुल के बोल रहे हैं कि यह हत्या हुई है यादव समाज के लोगों का, हम लोग इसका विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और जहाँ जरूरत जैसे होगा लड़ेंगे। चलिए तो हम पीड़ित के साथ हैं, अगर कोई पीड़ित है, कोई भी जात का पीड़ित है, जिसके समाज में हत्या हुई है, जिसके साथ अत्याचार हुआ, उसकी जात नहीं देखते हम, पीड़ित देखते हैं। अगर अगड़ी और पिछड़ी जाति में लड़ाई होती है, अगर अगड़ी जाति और अगड़ी जाति में ही लड़ाई होती है तो अगड़ी जाति में जो पीड़ित हम उसके साथ हैं, अगर अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति में लड़ाई हुई तो हम पिछड़ी जाति के साथ हैं, और पिछड़ी जाति और दलित में लड़ाई हुई तो हम दलित के साथ हैं, और दलित आदिवासी में लड़ाई हुई तो हम आदिवासी के साथ रहेंगे, और दलित महादलित में लड़ाई हुई तो हम महादलित के साथ रहेंगे। यानी कि जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित देखिए किसने गुनाह किया और कौन दोषी है, इसका फैसला आते आते 10 साल 20 साल लग जाता है कोर्ट में, तत्काल जो लगता है कि किस पे अत्याचार हुआ हम उसके साथ खड़े हैं, कोई जात हो लेकिन हम पीड़ित के साथ हैं। और पीड़ित वही होते हैं जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, इसलिए हम उसी के साथ खड़े हैं। खैर अमर आजाद से बातचीत जो हुई उस पर आप क्या कहना है, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यादवों के साथ हम खड़े हैं अगर वो बहुजन एकता को लेकर चलते हैं कटिहार के मुद्दे पर, बाकी मुद्दे पर, और बिहार में जो सरकार बनी है वो अब उस तरह से यादवों को भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है, बहुजनों को क्या सुरक्षा दे पाएगी, आपका क्या कुछ कहना ही नहीं, कुछ कहना ही नहीं, तो आपका क्या कहना है पूरे मसले पर, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब, घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।